नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अश्वनी माईचंद है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन पटेल नगर न्यू दिल्ली। हमारी स्पेशलिटी है MIS ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, यानी कि मिनिमल इन्वेजिव ऑर्थोपेडिक सर्जरीज। आप सब जानते हैं आजकल ओपन सर्जरीज नहीं होती हैं ऑर्थोपेडिक्स में। 90% सर्जरीज या तो दूरबीन से होती है या बहुत छोटे टांके चीरे से होती है, जिसको हम MIS टेक्निक कहते हैं। इसमें आज हम शोल्डर के बारे में बात करेंगे, यानी कि कंधे की जो दिक्कत होती है, स्पेशली यंग बच्चों में हमने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स का कंधा डिसलोकेट हो जाता है, कंधा उतर जाता है और उसके बाद उनका कंधा बार बार निकलता रहता है। वो स्विमिंग करते हैं या कोई भी ओवरहेड एक्टिविटी करते हैं तो उनका कंधा बार बार निकल जाता है। इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। ये बहुत पेनफुल कंडीशन नहीं होती है, इसी वजह से बहुत सारे पेशेंट इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। उनका कंधा इस स्टेज तक पहुंच जाता है कि वो कंधा अगर उतर जाता है तो अपने आप उसको रिलोकेट भी कर लेते हैं, यानी कि अपने आप ही कंधे को सेट भी कर लेते हैं, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। कुछ पेशेंट तो हमारे पास आते हैं जिनका 50 से 60 बार डिसलोकेशन हो चुका होता है। ये कंडीशन बहुत बार रेसलिंग, कबड्डी और फुटबॉल जैसे प्लेयर्स के देखी जाती है, जिनको जब भी वो गेम खेलते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनका कंधा डिसलोकेट हो जाता है, उसकी वजह से उनका करियर भी कई बार वहीं पर रुक जाता है। तो इन पेशेंट्स को हम सलाह देते हैं कि आपका दूरबीन से ऑपरेशन होगा, आपको सिर्फ 2 या 3 स्टिचेस लगेंगे और विद इन 6 वीक्स आपकी रिकवरी हो जाती है। तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि ये रिकरेंट डिसलोकेशन क्यों होता है और यंग बच्चों में ही क्यों होता है। आप सब जानते हैं कि शोल्डर एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। एक बॉल है, ये एक सॉकेट के अंदर फिट होता है और हमारा शोल्डर इसमें मूव करता है। इस बॉल को इस सॉकेट के अंदर रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, उसको कंस्ट्रेन करने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लैब्रम कहते हैं। वो कार्टिलेज होता है, बोन नहीं होती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक सॉकेट है, इसके अंदर ये बॉल ऐसे फिट हो रही है। आप देखेंगे कि बोन सिर्फ यहाँ तक है, इसके बाद ये सिर्फ कार्टिलेज है। इसको हम लैब्रम कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में इसको लैब्रम कहते हैं। जब बच्चे यंग होते हैं, यानी कि वो टीनेजर्स होते हैं या 25 तक होते हैं, तो ये जो बोन और लैब्रम का अटैचमेंट है ये बहुत वीक होता है। जब भी डिसलोकेशन होती है तो लैब्रम डिसलोकेट इससे बोन से सेपरेट हो जाता है, इस तरह से आप देख रहे हैं, लैब्रम वहाँ से टीयर हो जाता है, इसको लैब्रल टीयर कहते हैं, और ये बॉल को रोक नहीं पाता है तो शोल्डर बार बार डिसलोकेट होकर नीचे चला जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इस लैब्रम को वापस से बोन से अटैच कर देते हैं। पहले ये सब सर्जरीज ओपन करनी पड़ती थी, जिसमें पेशेंट को काफ़ी पेन होता था, ब्लीडिंग होती थी और रिकवरी में भी काफ़ी टाइम लगता था। आजकल हम इसको दूरबीन से, जिसको हम कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, आजकल इसको दूरबीन से ही हम ठीक कर देते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें कई बार फ्रैक्चर भी हो जाता है साथ में, उस कंडीशन में हम दूरबीन से ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो हमें यह डिसीजन MRI और CT स्कैन के बेस पे लेना होता है कि हमें पेशेंट की ओपन सर्जरी करनी है या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है। हम पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं इसके बारे में, समझाते हैं उनको। अगर हम सर्जरी नहीं कराते हैं तो क्या होता है, अगर आपका शोल्डर बार बार डिसलोकेट होता रहेगा तो जितनी बार भी बॉल सॉकेट से डिसलोकेट होती है तो ये यहाँ मार्जिन पर रगड़ खाती रहती है और आपका जो बॉल है वो रफ हो जाती है। लॉन्ग टर्म में आपको आर्थराइटिस हो जाती है शोल्डर की, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है और ये परमानेंटली पेनफुल हो जाता है। सो बाय द टाइम यू क्रॉस 35 एंड 40 आपका शोल्डर बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। तो मेरी एक सलाह है प्लेयर से या बाकी जिन बच्चों का ऐसा डिसलोकेशन होता है, पेरेंट्स से, कि अगर बच्चे को बार बार कंधा उतर रहा है तो इसको नेगलेक्ट मत कीजिए, एक शोल्डर स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट जॉब है, इट्स नॉट ए जनरल ऑर्थोपेडिक जॉब। एक शोल्डर स्पेशलिस्ट को दिखाइए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए ताकि फ्यूचर में भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, और अगर वो कोई गेम खेल रहा है, कोई ओवरहेड एक्टिविटी करता है, बैडमिंटन खेलता है, टेनिस खेलता है, कबड्डी खेलता है, रेसलिंग करता है, तो उनके करियर में भी कोई रुकावट ना आए। हमारे बहुत सारे प्लेयर हैं जो ताइक्वांडो रेसलिंग के हैं, जिनकी हम सर्जरी कर चुके हैं और वो उसी लेवल पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो वो इंजरी से पहले दे रहे थे। थैंक यू वेरी मच।